हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आंसर की देखेंगे जो आज 18 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई है पीजीटी एग्जाम की। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नगर राज्य का संबंध माना जाता है, तो नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है, तो प्राचीन यूनान से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, यह टिप्पणी किसने की थी, तो यह किया था रूसो ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग प्रस्तुत करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था पूछा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी नहीं थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा था, तो सूची दिया गया था, मिलान करना था, तो FMCT ये किससे संबंधित था, तो ये था व्यापार विनाशक के हथियारों के अप्रसार, ए में 3, तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हो गया था। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये जलवायु परिवर्तन से था, और जो ट्रिप्स था ये था आपका विश्व व्यापार से, और WSF ये वैश्विक सामाजिक आंदोलन से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है पूछा था, तो क्षतिपूर्ति, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सातवां है, निम्नलिखित में से किसने पंत निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है, तो BN राव ने, सी ऑप्शन नहीं गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आठवां क्वेश्चन पूछा था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, तो ये सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अगला है, 2 सूची दिया गया था, यहाँ इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें प्रतिसत्तात्मक जो है ये आपका मैकमिलान का नहीं है, ये हेनरी मैन का था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये जो है मिलान सही नहीं है, पितृसत्तात्मक जो है वो हेनरी मैन का है। अगला था, लेखक पुस्तक था कौन सा, इसमें जोड़ा सही नहीं पूछा था, तो इसमें आपका सही हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ का था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है, ये वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ का था। अगला है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं, तो ये था LD White का, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये नव मानववाद जो है ये अरविंद घोष का नहीं था, ये यमन राय का था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता, तो जेलिनेक मेरे तरफ से सही होगा, इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको बताइएगा अगर किसी के पास इसका सही आंसर होगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो सकता है। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागना हो तो उसे प्रत्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए किसको, तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑन लिबर्टी, ये संविदावादक विचारक की नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया, तो ये था 1976 से लेकर के 85 का जो दशक था, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे, तो आप लोग जानते होंगे विकेंद्रीकृत समाजवाद के, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है तो ये संसद के प्रति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दो सूची दिया गया था, इसको मिलान करना था, तो मार्गेंथाउ किससे थे, तो यथार्थवादी संप्रदाय से, तो ए में चार दो में है, तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं बर्नार्ड किससे थे, तो बर्नार्ड थे निर्गम निर्माण उपागम यानी तीसरे से, तो यहाँ तीसरा है देख लीजिए बी में, तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हुआ था, ठीक है। और बर्नार्ड कोहेन निर्मण और मार्टिन कापलान किससे थे, तो ये व्यवस्था सिद्धांत से थे, और इमामल वर्ड थे खेल सिद्धांत थे, तो यहाँ पे आपका पहला कोट ही इसमें सही हो गया था। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा उत्पत्ति किस देश से हुई, तो जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया, तो ये किसने किया था, तो माओ उत्से तुंग ने, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है, तो ये कहा था के टी शाह ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अब तक के समाजों का इतिहास भर संघर्ष का इतिहास है, यह पक्तियाँ किस पुस्तक से हैं, तो ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 25वां है निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है, तो गांधी दर्शन से है न्यासिता, नई तालीम और सर्वोदय, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिजरत पता नहीं है कि नहीं, कंफ्यूजन है, आप लोग बताइएगा हिजरत गांधी दर्शन से है कि नहीं, लेकिन वैसे पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये 26 का आंसर हो जाएगा निरुक्त। 27 है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है पूछा था, तो 27 का सी उदय दिन जीन बोधा, क्योंकि जीन बोधा जो था ये एकलवादी का था, ठीक है, एकलवादी का था, और बहुलवादी के लिंडसे मैडलैंड और गियर के ये सभी बहुलवादी थे। अगला है किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, तो ये कहा था किसने, तो ये बक्कल ने कहा था, ठीक है, बक्कल ने कहा था। इस पर भी कन्फ्यूजन है, आप लोगों को कहीं आंसर मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसमें संभवतः 20 ही सही होगा। अगला है एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये किसके बिना, तो राज्यपाल के बिना, ठीक है, यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो जे एफ केनेडी थे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, तो ये ह्यूगो ग्रोसियस को, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है, तो सी वाला जो है आंसर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये था मैक्स वेबर का, ठीक है, ये मैक्स वेबर का था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो सूची दिया हुआ था, इसमें मिलान करना था, तो ये वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य ये किससे संबंधित है, तो ये यूएनओ से संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य ये किससे संबंधित है, तो ये यूरोपियन से संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ये किससे है, तो ये एनएटीओ से संबंधित है, और वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य एआईएलओ से, यानी आपका ए कूट इसमें आपका सही हो गया था। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है, तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है, तो द लॉज में, इसमें भी कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, संभवतः ये दलाज में ही इसका जो है व्यवस्था किया था, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था,
तो ये दिया था अरस्तु ने, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना जो है ये किया है विलियम जी स्टॉक के द्वारा। इसमें भी कंफ्यूजन है, कोई कंफर्म नहीं कि सही हो सकता है, तो इसको भी आप लोग अगर मिलेगा कहीं तो कमेंट कीजिएगा। वैसे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया था, यूटोपियन समाजवाद किससे संबंधित था? तो ये सेंट साइमन से। फेबियन समाजवाद, तो ये फेबियन समाजवाद जो है सिडनी वेब से। वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स से। शेरी समाजवाद, जीडीएच कोल से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों और व्यापक विषयों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था 1968 में। 42 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक निर्वाचन में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का। अगला है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है किससे? आदर्शवादियों से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था? तो केसी हुयर ने कहा था। अगला है, पॉलिटिक्स एमोंग नेशन, तो आप लोग जानते होंगे मार्गेंथाउ द्वारा। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? संपूर्ण क्रांति। अगला है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये गुंडर फ्रांक ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो ये हो जाएगा सूत्र अभिकरण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग जानते होंगे 324 में है। ठीक है, 50 का आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, यह किसका वक्तव्य है? तो ये है जॉन पॉल जेनेट का। अगला है, प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन लॉक का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसका कथन है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो ये टैरी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? तो ये था बुतरस घाली जो थे। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। अगला है, जिले की कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो बहुत लोग बी मारे होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे जिलाधिकारी जिसको कहते हैं। ठीक है, जो लोग पुलिस अधीक्षक लगाए हैं वो आंसर गलत हो जाएगा। अगला है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये सिडविक का होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, आप लोगों को कहीं आंसर मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो ये संविधान संशोधन विधेयक जो है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक था? तो इसमें हेनरी मैन और लास्की दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रायिकता दी जाएगी सर हेनरी मैन को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्की भी था, लेकिन उससे जो बड़ा माना जाता था
सर हेनरी मैन को माना जाता था, इसलिए ऑप्शन ए कर सकते हैं आप लोग। आयोग द्वारा देखिए डी दिया जाता है कि ये दिया जाता है, दोनों थे लेकिन आलोचक इसके। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये है सुरक्षा परिषद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिस्मेटेक का सदस्य नहीं है? तो वो है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्या किया है? तो ये किया था फ्रांसिस फुकुयामा, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है, नेतृत्व का गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता किसको माना जाता है? तो ये कूटज तथा ओ डोनेल को, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो वेंथम जो है आदर्शवादी विचारक नहीं था। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था प्राविधान जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किया था? तो ये किया था ऑन लिबर्टी में, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे हैं तो 14 से 18। अगला है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है पूछा है? तो सबका शीत युद्ध से था, फल्टन भाषण का और ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, ये सभी शीत युद्ध से संबंध था, तो इसमें नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? भारत का महान्यायवादी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो इसमें रेमिजे म्यूर हो सकता है, कन्फ्यूजन है आप लोग, अगर कहीं आंसर मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो सकता है। अगला है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो मिल्स ने, सी राइट मिल्स ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो ये केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, कहीं कहीं इसका उत्तर जो है मंत्रिमंडल सचिवालय भी दिया है, तो कन्फ्यूजन है आप लोग देखिएगा, लेकिन सी ऑप्शन जहाँ तक है सही हो सकता है। अगला है, किसने कहा आधुनिकता सभ्यता 4 दिन की चादरी है? तो ये कहा था गांधी जी ने। अगला है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो ये प्रयोजन हो सकता है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ये है प्रदत्त विधायिनी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सुमेलित नहीं है? तो ये जोसेफ स्टालिन, वेज लेबर एंड कैपिटल, ये सही नहीं है आपका, ठीक है, जोसेफ स्टालिन का नहीं था ये, वेज लेबर एंड कैपिटल, ए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो ये मार्गेंथाउ। अगला है, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो ये था 1964 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विचारकों को उनके संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो एडमंड बर्क किससे थे? तो ये रूढ़वाद से थे। रॉबर्ट नाजी के किससे थे? तो इच्छा स्वतंत्र से थे। और जेरमी बेंथम, तो ये उपयोगितावाद से। और आलस दैर मैंकिटायर, ये समुदाय वाद से, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका डी वाला सही हो गया था। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों मिलकर बनता है? तो 33।
अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये अहमदाबाद में नहीं है, ये बड़ौदा में है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है सी वाला। अगला है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो ये दिया था सेंट थॉमस एक्विनास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो ये सार्वजनिक जवाबदेहता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से विभिन्न विधि संशोधित किया जा सके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत डेटेंट का तात्पर्य है? दोनों के मध्य तनाव शिथिलता। अगला है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, ठीक है 88 का ये सही हो जाएगा। अगला, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, ये सही हो जाएगा ना, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अगला है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? तो जी फर्सन ने कहा था, 90 का सी हो जाएगा। अगला है, लेसेज फेयर अबंध नीति का सिद्धांत किसने किससे प्रभावित था? तो ये था स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, बी सही हो जाएगा। अगला है, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है? जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ट्रिगवेली सबसे पहले थे, तो तीसरा है सी में दिख रहा है, तो पहले ही सी को ही तुरंत मार दीजिए, सबसे पहला ट्रिगवेली था, तो तीन इसी बस में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? तो लॉर्ड एक्टन का। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अभिकरण है, तो कितने अभिकरण थे? 15। अगला है, शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो, यह किसका दिया हुआ नारा है? भीमराव अंबेडकर का। अगला है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? तो 2017 में, ठीक है। 98 है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो इसमें कन्फ्यूजन है, ये बिलोबी ने कहा था शायद, इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको और कमेंट करके बताइएगा। अगला है, दमाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाता, चुनाव नहीं लड़ता है? अगला है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? तो तार्किकता की विशेषता के लिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? राज्य की उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एम जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, मुसोलिनी ने कहा था ना। अगला है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, पूछा है? तो इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई, ये सही नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है, किसको?
तटस्थता को, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसकी देन है? तो ये हॉलैंड का हो सकता है, कन्फ्यूजन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ग्राहम वालास। अगला है शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? तो महासभा में। अगला है दो सूची दिया हुआ था, मिलान करना था, तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज से थे, भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तीसरे से थे, और एमएस गोलवलकर ये किसे थे? तो ये बंच ऑफ थाट से थे, और बी डी सावरकर हिंदुत्व से थे। तो बी इसमें सही हो गया था। हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, पूछा था, सामूहिक उत्तरदायित्व ये उसका लक्षण नहीं है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा हो जाएगा, 137, अनुच्छेद 137। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान की संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 395 में। बहुलवादी महत्व देते हैं किसको, तो समूह और संगठनों को। अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की थी, हर्जरबर्ग ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला है निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व तो नहीं मानता है? तो जॉन सीले। बी से कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था, यूएसए। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। अगला है निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो आर.एच. टानी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, पी.वी. नरसिंह राव के समय में। अगला है निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं, परमादेश। 125 है कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणत होगी, तो दो ध्रुवी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, वैसे सी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है।